हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा इस चैनल फ्लावर सीक्रेट पे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मेरा इस फ्लावर का अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा फ्लावर हॉर्न पहले बहुत ही वाइब्रेंट कलर का था, बहुत एकदम नॉर्मल कलर का था। मेरा फ्लावर हॉर्न का वैरायटी है दोस्तों सुपर रेड ड्रैगन। तो दोस्तों, इसका कलर बिल्कुल नॉर्मल था, इसका जो स्पॉट्स था वो एकदम वाइब्रेंट था, क्लियर था। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ कि मैं जब पढ़ने के लिए बाहर गया था, करीब डेढ़ महीने के लिए बाहर गया था, तब दोस्तों मैं आके देखा कि दोस्तों मेरा फ्लावर का कलर एकदम से डल हो गया है। तो दोस्तों, क्योंकि मैं बाहर था तो किसी न किसी को केयर करना था मेरा फ्लावर का। तो दोस्तों, मेरे पेरेंट्स ने मेरा फ्लावर का केयर किया, तो दोस्तों उन्होंने कुछ मिस्टेक्स किया जिसकी वजह से यह हुआ। तो दोस्तों, वो मिस्टेक्स क्या है मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा, ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें। तो दोस्तों, ये बात है 20 दिन पहले का, जब मेरे को घर से कॉल आया कि मेरा फ्लावर हॉर्न का हालत ख़राब है, वो धीरे धीरे डिकलराइज हो रहा है, कलर उसका जा रहा है और उसका हेल्थ भी ख़राब हो रहा है और हेड तो एकदम श्रिंक हुआ पड़ रहा है। तो दोस्तों, तब मैंने बोला कि घर वालों से कि उसका प्रॉपरली केयर करो, उसको दो बार फीड दो, क्योंकि तब तक एक बार फीड दे रहे थे। मैंने बोल दिया था कि क्योंकि विंटर पड़ रहा है तो उसको एक बार फीड दीजिए, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट विंटर में कम होता है फिशेस का। और दोस्तों, ये मिस्टेक था मेरा, क्योंकि दोस्तों अगर हीटर ऑन रहेगा तो मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मतलब हीटर लगाने से भी मतलब मेटाबॉलिक रेट सेम रहता है। मेरे को लगा था कि विंटर है तो मेटाबॉलिक रेट घट जाएगा, तो मैं बोला था कि दिन में एक बार से फीड दीजिए, तो उसका ग्रोथ वैसे भी घटना था। और दोस्तों, दूसरा मिस्टेक है, क्योंकि मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि ओके को प्लैटिनम दीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरा ओके को प्लैटिनम का जो मतलब सप्लाई था वो ख़त्म हो गया था। तो हम दे रहे थे वो ऑप्टिमम क्विक रेट का सप्लाई, तो वो सप्लाई दोस्तों एक इमरजेंसी सप्लाई की तरह था, वो देना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि कुछ नहीं था तो उसको देना पड़ रहा था हमको। तो फूड क्वालिटी एकदम लो हो गया था, तो वो डीकलराइज होना शुरू हो गया और ग्रोथ एकदम से घट गया। और बाकी दोस्तों सब एकदम परफेक्ट था, हीटर ऑन था, फिल्ट्रेशन ऑन था, लाइट भी ऑन था। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों में कोई गड़बड़ नहीं हुआ, जो गड़बड़ हुआ इस फूड के क्वालिटी में और ये फीडिंग टाइम में। और दोस्तों, जो एक मेन रीज़न है कि कलराइज होने का, वो है फिश का सिक हो जाना। ये बहुत ही एक कॉमन सा चीज़ है, जब फिश सिक हो जाता है तब वो उसका कलर डल हो जाता है। ये सभी ऑलमोस्ट सभी फिशेस में होता है। आप देखते होंगे जब एक नया फिश अब बाय करके लाते होंगे, रखते होंगे अपने नए एक्वेरियम पे, तो वो एक से दो दिन तक एकदम मतलब कलर डल हो जाता होगा। उसके बाद जब वो हैबिचुएटेड हो जाता होगा अपने एक्वेरियम से, फिर वो धीरे धीरे अपना वाइब्रेंट कलर्स फिर से दिख शो करता होगा। तो दोस्तों, ये पूरा का डिपेंड करता है सेटलमेंट के ऊपर, वो जितना सेटल होगा, उसको जितना कंफर्टेबल लगेगा एनवायरनमेंट पे, वो उतना मतलब अपना कलर को शो करेगा। और दोस्तों, सिक होने का मेन कारण है अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। दोस्तों, अब जैसे आप देख सकते हैं मेरा ये 1.5 फीट का टैंक है, उसमें मैंने थोड़ा सा पोर्शन रखा है अपने पैरेट के लिए और बाकी का पोर्शन रखा है फ्लावर के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं बाहर रहता हूँ तो मेरे घर वालों को दिक्कत होता
मेरा वो जो 4 फीट का टैंक है उसको मेंटेन करने के लिए, तो मैं क्या किया कि मेरा 1.5 फीट का टैंक में दोनों को रख दिया ताकि घर वालों को आसानी हो केयर करने के लिए। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि ये स्पेस कम पड़ने के कारण ये फिल्म मूव नहीं कर रहा था, तो इसका कलर डल हो रहा था। तो दोस्तों ये हो गया कुछ रीजंस जो मेरे को लगता है कि ये रीजंस है। पर आप भी दोस्तों सब हॉबीस्ट है, आपको भी अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरे को भी जानना है कि क्या हुआ है मेरे फ्लावर को, क्योंकि ये सब मेरा मतलब मेरा कुछ राय है। तो दोस्तों मैं ये कन्फर्म नहीं हूँ कि यही फैक्ट है कि नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बदौलत आपसे शेयर कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे को बोलिए, मैं नोटिस करूँगा। और दोस्तों आप आते हैं मैं अब करूँगा क्या। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अभी फुल वाटर चेंज करूँगा, उसके बाद वीकली 20-30% वाटर चेंज वीकली करूँगा, उसके बाद फीड बेटर दूंगा ओकी को, प्लैटिनम दूंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसको जगह थोड़ा बढ़ा देने की कोशिश करूँगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कि इसका क्या सुधार आता है या नहीं आता, उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि ये सही है कि नहीं। और अगर आप मेरे को कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो दोस्तों दे सकते हैं, कुछ भी एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी एक हॉबीस्ट है और आप सभी को कुछ ना कुछ नॉलेज है। और बाकी दोस्तों हेल्थ थोड़ा ख़राब है, लेकिन इसका जो एग्रेसिवनेस है, इसका जो एटीट्यूड है, इसका जो फीडिंग हैबिट है वो सब सेम है, सब ये एक्सेप्ट कर रहा है सब फीड पहले की तरह, तो इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम है इसका कलर का और इसका थोड़ा ग्रोथ का। तो दोस्तों बात यह है कि मेरे को फिर से बाहर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तो मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगा। तो दोस्तों फिर से मैं बोलूँगा पेरेंट्स को केयर करने के लिए, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि दोस्तों मेरे को पढ़ने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको पसंद आया होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हेल्प कीजिए चैनल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये दोस्तों आप सभी का चैनल है। और दोस्तों सब्सक्राइब की तो चलिए दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।